जय माता दी, जय माँ कामाख्या। हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम भट्ट, ओम ह्रीम हनुमते राम दूताय नमः, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, ओम मनोजो मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरुत्मुख्यम श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्ये। ओम होम हस्प्रेम खप्रेम हस्त्रोम हस्कप्रेम हसोम ओम ओम नमो हरि मरकट मरकटाय, ओम नमो आवेशाय आवेशाय, ओम रीमापदाम भर्तारम दातारम धरसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम। ये सब मंत्र हनुमान जी के मंत्र हैं, तो सभी धर्मप्रेमी बंधुओं, देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी चैनल आपको ये आज बताना चाह रही है कि हनुमान जी के पूजन अर्चन और आराधना उपासना से आप इस महामारी से बच सकते हो। अन्यथा कई घरों में मौतों का सिलसिला चालू है। जवान जवान मनुष्यों की मृत्यु हो रही है। अभी भी समय है कि आप शिव हनुमान जी की पूजन अर्चन में लग जाएं। तो आज के इस विषम परिस्थिति में मनुष्य मात्र के लिए भगवान हनुमान जी की उपासना अत्यंत आवश्यक है। रुद्र अवतार कहलाते हैं, भगवान शंकर जी के अंश हैं। तो रुद्र अवतार जो है, भक्त शिरोमणि हनुमान जी बुद्धि बल वीर प्रदान करने वाले, भक्तों की रक्षा तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ में अपार सुख समृद्धि शांति और प्रसन्नता भी देते हैं। भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस चुड़ैल डाकन जिन जिन्नात, इन सब को भी दूर करने के लिए हनुमान जी की उपासना करना होती है। हनुमान जी का नाम लेना पड़ता है, उनका स्मरण करना पड़ता है, और हनुमान जी का स्मरण करने से असाध्य रोग भी दूर हो जाता है, यानी शमन हो जाता है। किसी को मानसिक पागलपन है तो मानसिक दुर्बलता के संघर्ष में सहायता भी प्रदान करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जहां जहां पर भी श्री राम जी की कथा होती है, वहां वहां श्री हनुमान जी अवश्य पहुंचते ही हैं। और ऐसा भी कहा गया है कि श्री हनुमान जी जब राम जी की कथा सुनते हैं तो मस्तक झुका करके रोम रोम से पुलकित होकर प्रसन्न होकर नेत्रों में प्रेम के आश्रु भरकर श्री राम जी की कथा का श्रवण करते हैं। इस प्रकार परम भक्तों में अव्यक्त रूप से उपस्थित होकर उनकी भक्ति भावना का पोषण करते हैं। इसलिए साल में एक बार यदि हनुमान जी की कृपा चाहते हो तो घर में अखंड रामायण का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अखंड रामायण का पाठ करने से हनुमान जी आपके यहां पे आएंगे ही आएंगे, और जब आएंगे तो आपको कृपा अवश्य बरसाएंगे और आपके घर पे ऊपरी बाधा नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं होगा। मनुष्यों ने आज के जमाने में अखंड रामायण करना छोड़ दिया, इसलिए हनुमान जी की कृपा प्राप्त नहीं होती, श्री रामचंद्र जी की कृपा प्राप्त नहीं होती, इसी वजह से अकाल मौत हो रही है। मैं बार बार कहता हूं कि साल में एक बार श्रीमद् भागवत कथा अवश्य करवा लो, साल में एक वर्ष में एक बार अखंड रामायण का पाठ अवश्य कराना चाहिए, वर्ष में एक बार 10-11 कन्याओं को भोजन अवश्य कराना चाहिए, जिसको कन्या पूजन कहते हैं। आप लोगों ने यह धर्म कर्म करना छोड़ दिया, कहां से हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे?
फिर जब व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा, जब बीमारी उसको जकड़ लेगी, जब उसको लाइलाज बीमारी लग जाएगी, उसके बाद में हनुमान जी की शरण में जाओगे तो तब हनुमान जी कुछ नहीं करने वाले। अरे पहले से आपको अपना जप करने का, तप करने का, साधना करने का या पुण्य करने का कोटा पूरा करना चाहिए, यानी मटकी भर के रखना चाहिए। अरे किसी को तो अपना बना लो, कोई किसी को तो अपना बाप बना लो, किसी को अपना भाई बना लो, किसी को अपनी मां बना लो और उनकी सेवा करो, देखो आपको पुण्य अवश्य मिलेगा। मैं बहुत सी माता बहनों से मिला हूं, वो कहती हमने तो हनुमान जी को भाई बना लिया, इसलिए उनको वस्त्र भी दान दे सकते हैं और उनकी मैं पूजन अर्चन भी करती हूं और ईश्वर की कृपा से आज मैं सुखी हूं, कोई भी घर में किसी को भी ऊपरी बाधा नहीं है, क्योंकि मैं रोज हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ करती हूं, बजरंग बाण का पाठ करती हूं, हनुमान बाहु का पाठ करती हूं, उनके मंत्रों को जप करती हूं और हर क्षण जब भी फ्री रहती हूं हनुमान जी का ही स्मरण रहता है, क्योंकि मैंने उनको भाई बना लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी महिला हनुमान जी की पूजन अर्चन कर सकती है, कोई भी माता बहने हनुमान जी की साधना कर सकती है। ईश्वर का नाम लेने के लिए ईश्वर मना नहीं करता कि स्त्री है तो नहीं, नाम नहीं ले सकती। इसीलिए मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अपने जीवन में हनुमान जी को गुरु बनाया हो, हनुमान जी को इष्ट बनाया हो, या हनुमान जी आपके उसके अंतर्गत आते हो, जन्म पत्रिका के अनुसार आपको हनुमान जी की ही पूजा करना है, यदि आपको मंगल दोष है तो, यदि राहु का दोष है तो भी हनुमान जी की पूजा अर्चन करना है, और यदि शनि का दोष है आपको जन्म पत्रिका के अनुसार तो भी हनुमान जी की पूजा अर्चन करना है, यानी कि तीन ग्रह की पूजा आप जो है हनुमान जी की पूजा से तीन ग्रह को कंट्रोल कर सकते हो, तो आपको हनुमान जी की सेवा करना ही करना है। और अभी भी समय है, आप घर पे बैठे हुए हो, कोई कामकाज नहीं है आपके पास में, तो घर में सब व्यक्ति मिलकर के अखंड रामायण का पाठ करो, 24 घंटे में उस रामायण को पढ़ना चाहिए। अब आपको ऐसा हमें अवध भाषा नहीं आती है, रामायण जी पढ़ना ही नहीं सिखाया है हमें, हमने रामायण जी पढ़ना सीखा नहीं है तो कैसे हम रामायण जी पढ़ेंगे, तो ये अब आपके बदनसीब हो आप, जिस वजह से आप रामायण जी नहीं पढ़ सकते, ये बदनसीबी है आपकी। तो सीख लो कि रामायण जी को कैसे पढ़ा जाए और क्यों नहीं पढ़ा अभी तक। तो यदि आप रामायण जी पढ़ना सीखना चाहते हो, यदि आप हनुमान जी के मंत्र बोलना सीखना चाहते हो, तो आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हो, और देव राधा ट्रस्ट में मंत्र बोलना भी सिखाया जाता है, रामायण जी पढ़ना भी सिखाया जाता है, श्रीमद् भागवत कथा पढ़ना भी सिखाया जाता है। तो 9893128047 और 7649862712 पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके रामायण जी पढ़ना सीख सकते हो। 8 दिन के अंदर हम रामायण जी पढ़ना आपको सिखा देंगे कि रामायण जी कैसी पढ़ी जाती है। तो हम चल रहे थे हनुमान जी की उपासना के लिए, तो हनुमान जी की उपासना करना ही इस कलयुग के काल में, और उन्हीं से आपको भक्ति भी प्राप्त होगी, शक्ति भी प्राप्त होगी। और आज भी बहुत से मैंने ऐसे भगत देखे हैं जिनको हनुमान जी का कृपा प्राप्त हुई है, अनुग्रह प्राप्त हुआ है, और उनने किसी न किसी गुरु के मार्गदर्शन में देखे ही हनुमान जी की साधना सेवा की है। तो यदि आप हनुमान जी की साधना करना चाहते हो, हनुमान जी की उपासना करना चाहते हो, हनुमान जी के बारे में विस्तृत वर्णन जानना चाहते हो, तो आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हो। पंचमुखी हनुमान जी की साधना अलग होती है, एकमुखी हनुमान जी की साधना अलग होती है, और एकादश मुख वाले हनुमान जी की साधना अलग होती है। और हनुमान जी की साधना से, उपासना से आप मनवांछित फल भी प्राप्त कर सकते हो, परंतु जब साधना की जाए तो वो निष्काम होना चाहिए। और श्री हनुमान जी की दिव्य उपासना
करने के लिए विभिन्न स्त्रोत का ज्ञान होना चाहिए, विभिन्न स्तुति का याद होना चाहिए और रोजाना पूजन अवश्य करना है। रोजाना हनुमान जी मंदिर जाना है, रोजाना हनुमान जी की पूजन अर्चन करना है और पूजन विधि भी जो है षोड़श उपचार पूजा करना चाहिए। भगवान शंकर जी की स्तुति भी उनके सामने गाना चाहिए और श्री रामचंद्र जी की स्तुति उनके सामने गाना चाहिए। यदि आपको कोई शाबन मंत्र हनुमान जी का मालूम हो तो वो भी आप जप कर सकते हो। इस प्रकार से हनुमान जी का यंत्र भी होता है, उस हनुमान यंत्र को भी आपको जागृत करके अपने साथ में रखना है। ओम एम सिम राम रीम रूम रेम रोम रम राशि दक्षिण मुखा पंचमुख हनुमते कराल वंदाय नरसिंहाय नरसिंहाय। ओम नमो भगवते व्रजकाय व्रतुल गैल पिंगल उर्दकेश महाबल रक्त मुक्त तजी महारोदस्वटकट महाकरालिनी महादड़बंद महारीन लंकेश्वर राय महाशेतुबन महाशैल प्रवा गंगजरई भगवान महाबल पराक्रम भैरवाज्ञापति है महारोदिक पुत्र वैष्ट वर्ण भंज भंजय हुंबट स्वाहा भूत प्रेत पिचास कुल पिचास डाकिनी शाकिनी यक्षिनी ब्रह्म राक्षस कुल राक्षस ग्रह राक्षस महामारी राक्षस भैरव बेताल परतंत परमंत पर्यंत स्वर ग्रह उच्चाटनाय सकल शत्रु सहारणाय क्षणेन हन हन भंजय भंजय शिक्षा शिक्षा खादे खादे मारे मारे बिंदी बिंदी छिंदी छिंदी उच्चाट उच्चाटे दावे दावे शो शो से नाश नाशे महामहेश्वर रुद्रावतार ओम हुंबट ओम रीम भट स्वाहा। इस प्रकार से हनुमान जी का ये मंत्र है, पंचमुखी हनुमान जी का मंत्र है। इस मंत्र से भी आप पंचमुखी हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हो। बस ये कि आपको पंचमुखी हनुमान जी जो दक्षिण मुखी हो, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हो, ऐसे हनुमान जी की पूजन अर्चन करेंगे तो जल्दी आपको भक्ति और कृपा दोनों प्राप्त होगी। रुद्र अवतार से हनुमान जी का, रुद्र अवतार श्री हनुमान जी का है, क्योंकि हनुमान जी के बारे में जितना लिखा जाए उतना कम है, क्योंकि उनके पास अष्ट सिद्धि है और साक्षात शंकर जी के अवतार हैं, परमेश्वर रुद्र अवतार बोला जाता है और सब जगह इनके बारे में लिखा गया है, वेदों में भी बताया, उपनिषद में भी है, रामायण जी में भी है, पुराण में भी हनुमान जी के बारे में बताया गया है। तो कुछ स्तुति भी है, जैसे जयति मंगलावार संसार भाराप हरवान राकर विग्रहु बुरारी। और भी ऐसे बहुत सी जगह, उनका सब जगह कहीं न कहीं रुद्र संहिता में बताया गया है, नारद पुराण में भी बताया गया है। तो श्री हनुमान जी के परम ब्रह्म स्वरूप का यजुर्वेद में भी वर्णन मिलता है। तो परम ब्रह्म नारायण ही शिव स्वरूप हनुमान है, ऐसा लिखा हुआ है। ओम परमात्मा नारायण ही रुद्र अवतार श्री हनुमान है, तो उनमें स्तुति करने के लिए भी बोला गया है कि हनुमान जी का चरित्र सुनना चाहिए, उनके रूप में प्रकट होकर शिव जी सुंदर लीलाएं भी की है। तो श्री हनुमान जी साक्षात रुद्र रूप है, आप ये मान करके चले, उनकी सेवा करने से शिव जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो अतुल शक्ति और महान भक्ति के प्रतीक रुद्र अवतार श्री हनुमान जी की पूजा संपूर्ण भारत में अत्यंत श्रद्धा और विश्वास के साथ की जाती है, परंतु कुछ मनुष्य नहीं करते हैं। तो मैं उन सबसे निवेदन करता हूं कि आपको हनुमान जी की सेवा करना ही करना है, यदि आप इस महामारी से बचना चाहते हो। तो हर गांव में हनुमान जी की मूर्ति होती है, हर गांव में हनुमान जी का मंदिर भी होता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, होता अवश्य होता है। और कई कई बार तो दुर्गम वन में भी और पर्वतों पर भी हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित कर दी जाती है, जिससे व्यक्ति डरता नहीं है। और श्री राम कथा के साथ साथ श्री भक्त हनुमान जी की कथा भारतीय सीमाओं में अच्छे तरीके से गाई जाती है, इनके भजन भी हैं और जगह जगह इनके नाम से हरि कीर्तन भी होता है। सीताराम जी के अनन्य भक्त, सीताराम जी के अनन्य सेवक के रूप में
हनुमान जी को जाना जाता है। और वैदिक पद्धति, तामसिक पद्धति और अपनी लोकल भाषा, मातृभाषा, लोक शैली में भी श्री हनुमान जी महावीर जी की पूजा उपासना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वे समस्त संकटों से छुटकारा प्राप्त कराते हैं, ऐश्वर्य भी देते हैं, सुख समृद्धि भी देते हैं, समृद्धि भी देते हैं, शांति भी देते हैं और मनुष्य अंत में जो है मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हनुमान जी की सेवा करना चाहिए। अब आप कहेंगे हनुमान जी की सेवा कैसे करें? तो हनुमान जी की सेवा करने के लिए हनुमान जी के रोजाना चोला चढ़ाओ। मंगलवार शनिवार को तो चोला चढ़ाना ही चढ़ाना है। रोजाना हनुमान जी की पूजन अर्चन करो, पंचोपचार पूजा करना चाहिए, उनको तुलसी की माला पहनाना चाहिए, इत्र उनको चढ़ाना चाहिए और हनुमान जी के सामने राम जी की स्तुति अवश्य गाना चाहिए। तो हनुमान जी की उपासना के लिए श्री बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी के कुछ मंत्र हैं, उन मंत्रों का जप तप करना चाहिए। हनुमान बाहुक है, हनुमान के बहुत से छोटे छोटे मंत्र भी दिए गए हैं, उनका भी जप करना चाहिए। तो हनुमान जी की उपासना की आवश्यकता क्यों होती है? उपासना यानी हनुमान जी के नजदीक जाना, इसलिए हनुमान जी की उपासना बोलते हैं। इसमें मनुष्य को पूजन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, जप करना चाहिए, होम करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, दास्य भाव रखना चाहिए, उनके समीप रहना चाहिए, उनकी आराधना करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। इन सबको हम उपासना बोलते हैं। जितने भी शब्द बोले ये सब पूजा पाठ के महत्व के हैं। जो समझदार है वो ही समझ पाएगा कि इष्ट देव, यदि आपने हनुमान जी को इष्ट बनाया है, गुरु बनाया है, तो उनका ध्यान करो, उनका प्रणाम करो, नमस्कार करो, पूजा करो, जप करो, तप करो, होम करो, भक्ति करो, दास्य भाव रखो, उनके समीप में रहना, उनकी सेवा करना, उनकी सुश्रेषा, उनके संबंध में बातचीत करना, उनके आराधना करना, चिंतन करना, मनन करना, ये सब उपासना के भाग हैं। यानी हनुमान जी की स्तुति करना, हनुमान जी की पूजन करना, हनुमान जी की वंदना करना, ये सब हनुमान जी की उपासना करने का तरीका है। जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं, हनुमान जी की उपासना से आपकी रक्षा तो होगी होगी, आपके परिवार की भी रक्षा होगी और आप दूसरों को भी रक्षा करने के लायक बन सकते हो। इसलिए इनकी उपासना करना चाहिए, हवन करना चाहिए। हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट स्वाहा, इस मंत्र से कम रोजाना यदि कोई मनुष्य हवन करता है, और भी मैं मंत्र बताने जा रहा हूं, तो रोजाना हवन करें ताकि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर प्राप्त हो और आपके घर पे कोई अकाल मृत्यु नहीं होगी। हवन तो करो, अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो अकाल मृत्यु नहीं होने का मतलब है कि वो रक्षा अवश्य करेंगे। तो हम हनुमते रुद्रात्मका हुमफट, 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 ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः, 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 ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। इस प्रकार के जो मंत्र हैं इनको स्वाहा 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 बोलते जाएं और हवन करें। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए जटा मासी से हवन करना चाहिए ताकि घर में बीमारी नहीं आएगी। गूगल से हवन करना चाहिए ताकि बीमारियां प्राप्त नहीं होगी। और यदि हो सके तो नीम का तेल लेकर आइए,
कपास का तेल लेकर के आइए, उससे भी हवन करिए तो घर में बीमारियां नहीं आएगी। हनुमान जी की उपासना इसलिए भी करना चाहिए कि वो जगत की रक्षा करने वाले हैं, और कलयुग में हनुमान जी की उपासना बहुत ज्यादा फलित होती है। जब भी कोई भी विशेष काम करने के लिए जाएं, हनुमान जी के चरणों में एक नारियल छोड़ करके ही फिर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आपको कष्ट की प्राप्ति नहीं हो। और निष्काम भाव से हनुमान जी की उपासना करिए, ताकि आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो सके। यदि किसी मनुष्य को बजरंग बाण पूरा चाहिए, जो अन्य किताबों में छपता है वह बजरंग बाण अधूरा छपा हुआ है, हमारे पास उस बजरंग बाण में से जो 14 लाइन छूटी हुई है, वो 14 लाइन बड़ी हुई वाला बजरंग बाण हमसे प्राप्त कर सकते हो। 9893128047 और 7649862712 व्हाट्सएप नंबर पर अपनी मैसेज दे करके आप वो बजरंग बाण प्राप्त कर सकते हो, जो कि पूरा है, संपूर्ण है, अधूरा नहीं है। और जब भी उपासना करते हैं, हनुमान जी की आराधना करते हैं, तो उसमें ओम अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो पिबाजा स्मरे पुंडरीकातम सहबैतम सूची, पहले पवित्र होने का मंत्र बोलना चाहिए, फिर गणेश आराधना का मंत्र बोलना चाहिए, फिर गणेश जी की गौ सामग्री अर्पित करना चाहिए, फिर आसन शुद्धि का मंत्र बोलना चाहिए, स्नान का मंत्र बोलना चाहिए, अक्षत समर्पण का बोलना चाहिए, चंदन लेपनम का बिल्व पत्र समर्पण करना चाहिए, पुष्प समर्पण करना चाहिए, सिंदूर समर्पण करना चाहिए, पुष्पमाला समर्पण करना चाहिए, सुगंधित धूप दीप अगरबत्ती और इत्र वगैरह समर्पित होना चाहिए, दीप प्रज्वलित समर्पण होना चाहिए, नैवेद्य समर्पण होना चाहिए। इस प्रकार ये जो है 16 उपचार पूजा होती है, पूजा अवश्य करना चाहिए। हनुमान जी को गुड़ या मिठाइयों का प्रसाद और केले ये अवश्य भोग में चढ़ाना चाहिए। उसके बाद में आप हनुमान चालीसा का पाठ करें हनुमान जी की कृपा प्राप्ति के लिए। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरउ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ व्रज अरुध्वजा विराधे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे गो आदु, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिहि दिखावा, बिगड़ रूप धरि रंग जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, राम चंद के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, सी रघुवीर हर सियुर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही समवाई, सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कैसी पति कंठ लगावे, तनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिदा, यम कुबेर दिग बाल जहाते, कवि कोविद कह सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना, तुम रोमंत विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त जो जन पर भानु, लीन्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांग गए अचर जनाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते, राम दुवारे तुम रखवारे, होदन आज्ञा बिनु बेजारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो को डरना,
आपन तेज समारोह आपे तीनों लोक हाके देखा पे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुमारे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीर संकट ते हनुमान छुड़ावे मन गम वचन जान जोलावे सब पर राम तपस्वी राजा दिन के काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारो जुग पर ताप तुम्हारा हे पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असुर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दादा तुमरे भजन राम को बावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चीतन दरई हनुमत से ही सर्व सुख करई संकट कट मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव गिनाई जो सतवार पाठ कर कोई होय सिद्ध चूटहि बंदी महासुख होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभु। इस प्रकार से हनुमान चालीसा का भी पाठ करके रोजाना हो सके तो हवन भी करिए। हर दोहे पर हवन करना है आपको और इसका कम से कम 11 बार आपको पाठ करना चाहिए, कम से कम 11 बार। और ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, हनुमान जी की उपासना जब भी करें ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सूर्य उदय के पहले पहले हनुमान जी की सेवा करें और जितना ज़्यादा हो सके हनुमान जी का जप करें और सूर्य उदय के 15-20 मिनट या एक घंटा पहले या आधा घंटा पहले आपको गायत्री माता की एक माला अवश्य जप करना है, यानी कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार से गायत्री मंत्र भी आपको जपना अत्यंत आवश्यक होगा। मतलब जो मनुष्य सिद्धि चाहता है, सात्विक सिद्धि चाहता है, उसे गायत्री माँ को पकड़ना अत्यंत आवश्यक होता है, तो ही सात्विक सिद्धि मिलती है, अन्यथा सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। ऐसे विभीषण के द्वारा भी हनुमान जी की स्तुति लिखी गई है और उनकी स्तुति का पाठ करने पर भी मनुष्य को सुख समृद्धि शांति प्राप्त होती है। मशहूर है कि आपको 16 उपचार पूजन अवश्य करें। मैं 16 उपचार में क्या क्या चीज आती है आपको आज बताने जा रहा हूं और यह पूजन करने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी तो प्रसन्न होते ही होंगे ही होंगे जब आप पूजा कर रहे हो। तो 16 उपचार पूजन का मतलब होता है 16 उपचारों। एक तो सबसे पहले आह्वान करना होता है, 16 उपचार पूजा में सबसे पहले आह्वान करना है आपको। तो आह्वान करने का मतलब हुआ उनकी कोई ना कोई स्तुति या कोई ना कोई मंत्र आपको आना चाहिए, उनका ध्यान आपको आना चाहिए कि हनुमान जी का ध्यान कैसे बोलेंगे। तो वो ध्यान के लिए आपको ओम ऐं श्रीं राम रीम रूम रेम रोम रम रहसी दक्षिण मुखा पंचमुख हनुमते कराल वंदना नारसी हाय ओम नमो भगवते व्रजकाय व्रतुल कल पिंगल उर्ध केश महाबल रक्त मुक्त तड़ितजी महारोदसोटकट महाकरालिनी महाद्रवंद महारिल्लंके जदा महाशेतुबन महाशैल प्रवा गंगचरई भगवान महाबल पराक्रम भैरव आज्ञा पति हे महारोदिक बुद्ध वैष्णवण बंजे बंजे हुम पट स्वाहा। इस प्रकार से ये हनुमान जी का ध्यान मंत्र है और एक और ध्यान मंत्र है ओम मनोजव मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मजम वानरुद्मुखम श्रीरामदूतम शरणम प्रबध्ये। तो इस प्रकार से हनुमान जी का सबसे पहले ध्यान करें, आह्वान करें, ये कोई भी हो। 16 उपचार पूजा करने से देवी देवता बड़े प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी की 16 उपचार पूजा करना है तो सबसे पहले हनुमान जी का कोई मंत्र बोलें, ध्यान करें, हनुमान चालीसा बोलें। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है आसन, उनको आसन देना होता है कि आसनार्थ है अक्षितान समर्पयामी, लाल वस्त्र के ऊपर उनको बिठाएं, पाद्यम
समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आश्वन्यम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि, चंदनम समर्पयामि, अक्षतां समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, सिंदूरम समर्पयामि, पान सुपारीम समर्पयामि, धूपम दीपम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि और दक्षिणाम समर्पयामि। इस प्रकार से ये 16 चीज उनको अर्पित करते हैं, टोटल 16 है आह्वान से लेकर के दक्षिणा तक। तो ये करने के बाद में आपको पूजन अर्चन करना है। पूजन अर्चन हवन और इनके पूजन के लिए यदि पहली बार पूजन कर रहे हो तो पूजा की एक पूरी सूची होती है, वो सूची यदि आप पूजन कराते हो हनुमान जी का तो आपको बता दी जाएगी। यदि आप हनुमान जी की, आपके घर पे कोई हनुमान जी की मूर्ति है, यदि उस मूर्ति में आप चल प्राण प्रतिष्ठा कराना चाहते हो तो हम ऑनलाइन चल प्राण प्रतिष्ठा आपकी करवा सकते हैं वीडियो कॉलिंग के माध्यम से। क्योंकि आप मूर्ति खरीद के लेकर के आएंगे होंगे हनुमान जयंती के दिन, या कहीं से खरीद लेके आएंगे किसी सिद्ध पीठ ये पर जाकर के, तो उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करवाना होती है, जिसको चल प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं। अचल प्राण प्रतिष्ठा मंदिरों में होती, पर घर पर जो मूर्तियां होती है 9 इंच के आसपास की या उससे छोटी, उसमें आप चाहें तो चल प्राण प्रतिष्ठा करवा सकते हैं। और चल प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन ही चल प्राण प्रतिष्ठा आपकी कराई जा सकती है। तो संपर्क करने के लिए 9893128047 और 7649862712 पर संपर्क कर लें। और जब भी हनुमान जी की पूजन अर्चन करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कराना है या कोई अनुष्ठान करना है, तो मनुष्य को जिस दिन से प्रारंभ करना है उससे 5 दिन पहले से ही स्त्री से दूर रहना चाहिए। मांस मदिरा उसको बिल्कुल भी नहीं खाना है, लहसुन प्याज भी दूर रखना है, लहसुन प्याज भी भोजन में प्रयोग नहीं करना है, और उपवास रखना है। एक टाइम भोजन खाना चाहिए, बाकी समय उपवास रखना चाहिए। इस प्रकार से इनकी पूजन होती है, पूजन करने का विशेष महत्व है। और मैंने उनकी पूजा कृपा ये सब प्राप्त करने के लिए विशेष विधान है, उन विधान का पालन करें, संकल्प भी ले लें, और संकल्प जो लें उसके अंदर सुख समृद्धि शांति वाला ही संकल्प आपको लेना चाहिए। बाकी जब भी हनुमान जी की कोई उपासना करते हैं, अनुष्ठान करते, किसी का भी अनुष्ठान करते हो तो षोडश मातृका का भी पूजन करना चाहिए, क्योंकि वो कुल देवी के अंतर्गत आती है। वरुण देव का पूजन भी करना चाहिए, कलश की स्थापना भी करना चाहिए, और साथ ही साथ में शांति पाठ भी अवश्य करना चाहिए। हनुमान जी के मंत्रों में जो सबसे ज्यादा मंत्र चलता है वह चलता है हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट। इसी मंत्र को कोई भी मनुष्य जप कर सकता है, किसी से गुरु से लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि यदि कोई आप अनुष्ठान कर रहे हो, कोई साधना कर रहे हो, तो मंत्र जो है गुरु से लेना चाहिए। स्तुति आप स्वयं पाठ कर सकते हैं, स्तुति को किसी गुरु से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि किसी मनुष्य को बीमारी दुखी लग गई हो, असाध्य रोग लग गया हो, तो नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, इस मंत्र से लगातार आहुति देते रहना चाहिए। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, सी हनुमते नमः स्वाहा। इस हर बार सी हनुमते नमः स्वाहा आपको आखिरी में बोलना है, ताकि और जिसकी बीमारी दुखी ठीक करना हो उसके नाम का संकल्प लेना होगा, ताकि आप जो पुण्य करें वो उस बीमार व्यक्ति के पापों का नाश करेगा। तो हनुमान चालीसा और बजरंग बाण से आप धन दौलत सुख समृद्धि शांति सभी प्राप्त की जा सकती है।
और कोई भी साधना करें, कोई भी उपासना करें, किसी का पाप काटना हो, किसी की बीमारी दुखी ठीक करना हो, तो दान अवश्य देना चाहिए। यदि आपने दान नहीं दिया तो उसकी बीमारी दुखी नहीं कटेगी, रोग का नाश नहीं होगा, क्योंकि दान से पाप कटता है, और जब पाप कटता है तो मनुष्य को बीमारी से वो फ्री हो जाता है, बीमार नहीं होता है। तो दान भी धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है, और दान का अर्थ है देना, यानी देकर के आप भूल जाओ। तो जो कुछ भी भगवान ने दिया उसका कुछ भाग दूसरों की भलाई के लिए खर्च करना, उसे दान कहते हैं। वैसे तो दान देने वाला और दान लेने वाला भी ईश्वर का ही रूप है, क्योंकि वह सर्वव्यापी है। फिर भी जो मनुष्य दूसरों को जो कुछ देता है उसको उसका कई गुना फल प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इसलिए आप यदि हनुमान जी की आराधना चाहते हो, हनुमान जी की उपासना चाहते हो, और हनुमान जी का यज्ञ करवाना चाहते हो, तो दान अवश्य दे दो दक्षिणा के अलावा। दान देने से पाप कटते हैं, और पाप कटने से आपको सुख समृद्धि शांति अवश्य प्राप्त होगी, परंतु आपके पास से दान नहीं निकलता। और मैं बार बार कहता हूं, दान निकालो। जो दानी को किसी चीज की कमी कभी नहीं होती, आप भगवान के नाम पे लगा करके तो देख, 10% लगाएगा वो आपको उसका 10 गुना, यानी आपको 10 गुना वापिस लौटा देगा, यानी 100% आपको वापिस अवश्य मिलेगा। इसीलिए बढ़ते हैं जो दान देने वाले मनुष्य होते हैं, कभी कष्ट में नहीं होते, दान देने वाले कभी भी कंगाल नहीं होते, दान देने वाले कभी दरिद्री नहीं होते हैं, और दानी को कभी किसी चीज की कमी भी नहीं होती है। दान एक तरीके का एक बीज है, बीज, एक बीज आपने डाल दिया तो इसके फल कई गुना बढ़ जाता है, जो जीवन भर धन जोड़ने में ही लगा रहता है, न अपनी और न किसी दूसरों की भलाई में खर्च करता है, वह बोझ उठाने वाले मजदूर की तरह होता है। यानी जो व्यक्ति दान नहीं देता है वह व्यक्ति सिर्फ बोझ उठाने वाले मजदूर के बराबर उसको माना गया है। तो दान की एक ऐसी पूंजी है जो परलोक में भी मनुष्य की सहायता करती है, इसलिए मनुष्य को दान देते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं दान के बारे में समझा रहा हूं कि मनुष्य को यदि एक बीज वो खेत में लगाता है, दान का खेत मान लीजिए, एक बीज उसने लगाया तो 1000 बीज उत्पन्न होंगे, उन हजारों से और 1000 बीज उत्पन्न होंगे, यानी भगवान कहता है कि तू मेरे को 1%, 5%, 10% देके तो देख, मैं तुझे उसका 10 गुना न दू तो तू मुझे मानना बंद कर देना। इसलिए दान देना चाहिए, और जो दान नहीं देता है, दूसरों की भलाई में पैसा खर्च नहीं करता है, वह संपत्ति को, धन को अपने ऊपर मजदूर की तरह उठा करके चलता रहता, मजदूरी ही बना रहता है। तो धन कमाना अच्छा है, परंतु नेक कमाई से कमाओ, और उस कमाई से भी थोड़ा दूसरों की भलाई में लगाना शुभ काम है, इसका बहुत उत्तम फल मिलता है। यानी मेहनत की कमाई का पैसा ही आपको दान धर्म में लगाना है, पाप की कमाई का पैसा, किसी की हाय बद्दुआ लेकर के कमाया गया पैसे को दान नहीं देना है, वो दान लगेगा भी नहीं आपका। जो धन दूसरों की भलाई में लगाता है वही अपना धन है, बाकी तो सब यहीं पे छोड़ के जाना है और दूसरे ही हत्या लेंगे, तो परलोक में केवल वही धन काम आएगा जो हमने दान स्वरूप जरूरतमंदों को दे दिया। अपनी कमाई से कम 10वां भाग दान में अवश्य देना ही देना चाहिए, यह वेदों का आदेश है। और यदि आप वेदों का पालन नहीं करोगे, वेद के आदेश का पालन नहीं करोगे, तो आपके यहाँ पे बीमारियां अवश्य आएगी, आपके यहाँ दुख आएगा, आपके यहाँ दरिद्रता आएगी, आपके यहाँ मृत्यु भी हो सकती है कभी विशेष परिस्थिति में। इसलिए दान दो और इन सब कष्टों से मुक्त हो जाओ। दान सात्विक भी होता है, दान तामसिक दान भी होता है, और राजसिक दान भी होता है। 3 प्रकार के दान की परिभाषा यहां बताई गई है। तो हनुमान जी की उपासना करते हैं तब दान जो सात्विक दान देना चाहिए। सात्विक दान का मतलब हो गया कि अपना कर्तव्य समझकर जो व्यक्ति उचित हो उस व्यक्ति को उचित समय पर दान दे दो, वो सात्विक दान कहलाता है। कोई जरूरी नहीं कि दान ब्राह्मण को ही दिया जाए, जिसको आवश्यकता हो उसको दान दे दो।
और जो किसी कामना को सामने रखकर अपने स्वार्थ के लिए दिया जाता है वह राजसिक दान कहलाता है। यानी मैं दान दे रहा हूं तो मुझे ये चीज प्राप्त हो जाएगी, वो राजसिक दान हो गया। और तामसिक दान भी होता है, किसी का अपमान करने और घृणा की दृष्टि से जिसको दिया जाता है वह तामसिक दान कहलाता है। यानी दान तो है, चाहे वो सात्विक दान हो, चाहे वो राजसिक दान हो, चाहे तामसिक दान हो। तो सबसे उत्तम दान जो है ब्रह्म विद्या का दान होता है, यानी विद्या दान होता है, उससे बढ़ के कोई चीज नहीं होती है। और सत्संग करना, सत्संग का प्रबंध करना, धार्मिक पुस्तक जैसे भागवत पुराण, वशिष्ठ गीता पढ़ना, रामायण जी पढ़ना, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन कराना, यह मुफ्त में बांटना, यह सब चीज जो है दान की श्रेणी में कहलाती है। किसी की चिकित्सा का प्रबंध करना, उसके लिए किसी की सहायता करना, यह भी दान की परिभाषा में आते हैं। अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, अनाथालय को बनवाना, बनवाने में सहायता करना, विधवा स्त्रियों की सहायता करना, निर्धन बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करना, अज्ञानियों को ज्ञान देकर उनकी आध्यात्मिक उन्नति करना, अपाहिज को अंगहीन लोगों की सहायता करना, सन्यासी लोगों या वृद्ध लोगों के लिए आश्रम गौशाला जैसी संस्थाओं की सहायता करना, निर्धन लोगों के वस्त्र देना, प्याऊ लगवाना, यह सब काम दान के अंतर्गत आता है। जिस तरह एक बुद्धिमान किसान अपनी आगामी फसल के लिए कुछ अनाज बीज की शक्ल में बांध करके अपने पास रख लेता है, इसी तरह बुद्धिमान मनुष्य अपने परिश्रम की नेक कमाई में से कुछ धन दान पर व्यय करता ही करता है, ऐसा शास्त्र कह रहे हैं। इसलिए दान भी देना अत्यंत आवश्यक है, तो ही आपको सिद्धि मिलेगी, तो ही आपके हवन का फल मिलेगा। आपके तो हमने पूजा की, पर पूजा का फल प्राप्त नहीं हुआ। तो पूजा जैसे की जाती है वैसे ही उसी वक्त तुरंत पूजा समाप्त होते से ही जिसने पूजा कराई, चाहे वो गुरु ने करवाई हो, चाहे पंडित जी ने करवाई हो, आपको पूजा की दक्षिणा तुरंत देना है, रोकना नहीं, एक घंटे भी दक्षिणा नहीं रोकना चाहिए। और जब भी हवन पूजन कराते हैं तो उसके साथ में आपको दक्षिणा के साथ साथ कुछ दान अवश्य देना चाहिए, अन्न का दान देना चाहिए, धातु का दान देना चाहिए, या फिर जो हमने बताया आपको कंबल का दान दे गया, कपड़े का दान हो गया, ये सब दान आपको अवश्य देना चाहिए, जिससे पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दान से पाप कटते हैं। अर्थवेद में भी दान की महिमा बताई गई है, मतलब हर जगह दान के बारे में बताई गई है। इसलिए दान अवश्य देना चाहिए। यदि आपके पास पैसे नहीं हो तो आप मंदिर में जाके श्रम दान दे दो, मंदिर की सफाई कर दो, मंदिर की झाड़ू लगा दो, मंदिर में पुताई कर दो, तो वह भी दान कहलाता है और उससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति अवश्य होगी। ये तो हो गया दान। अब तप भी होता है, शारीरिक तप, मानसिक तप, वाणी तप, इसके बारे में हम आपको आगे फिर कभी बताएंगे। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री राम, जय श्री हनुमान। हनुमान जी की सेवा करो, हनुमान जी की पूजन करो, हनुमान जी के मंत्रों का जप करो, निश्चित तौर से आपके घर पे कुछ भी अशुभ होने की संभावना नहीं होगी। यदि आपने अभी तक कभी भी पूजा नहीं की, सेवा नहीं की, तो कम से कम फ्री हो तो 8 से 10 घंटे जप करना प्रारंभ कर दें, हवन करना प्रारंभ कर दें, ताकि आपका जो पुण्य का घड़ा खाली हो गया है वह पूरा भरा सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी, आलहादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, रोग नाशिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, शत्रु नाशिनी, आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे और निरोगी रखे। जय श्याराम, जय हनुमान।